ओम प्रदीप नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार भैया। चलो गीतांजलि, बहुत अच्छा कि आपने ये तो अग्रज हमारे सामने अच्छा थैंक यू सर, थैंक यू। तपस्या तिवारी, जय भगवान। प्रणाम प्रणाम। खूब अरे दीदी दीदी दीदी, अरे कनन भाई, अरे वाह 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 वाह। नमस्ते सर जी। आप नमस्ते भैया, कैसे हो? विजय आनंद। नमस्ते सर, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। एक सेशन तो नमस्ते में निकल जाएगा भाई। सर मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा सा आप पीछे हो जाए तो आपका पूरा प्रोफाइल हमें नजर आए, अभी आपका सिर्फ चेहरा दिख रहा है। अब हाँ सही है, अब सही है, अब चेहरा दिखता रहे, आंखें दिखती रहे, बाकी तो सब ठीक है भाई। एक दूसरे का चेहरा, चेहरे आंखों का ही तो सारा खेल है, बाकी तो चेहरा तो जी जी ये ठीक है जी सर। सर मैं आपका स्वागत करती हूँ मेरा मंच पर, और बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ कि आपने हमारे साथ में आना और हमारे साथ में जुड़ना स्वीकार किया। तो हम सबकी तरफ से सर आपका स्वागत है। अब आप हम लोगों को अपनी पाठशाला का कुछ बताएं। देखिए मैं सबसे तो पहले तो जितने हमारे अग्रज यहाँ बैठे हैं, जो हमारे सीनियर हैं थिएटर में, वो कहीं कहीं के भी थिएटर के हों, जो बैठे हैं या जो हमें सुन रहे हैं, जो मैं सभी बड़ों को सादर नमन करता हूँ, चरण स्पर्श करता हूँ। कोरोना काल में वैसे भी अब दूर दूर से चरण स्पर्श करने का समय आ गया है, हम आपके गुरु भाई हैं। अच्छा, जय श्री कृष्णा। और अब जो हम उम्र हैं गीतांजलि, उनसे दोस्ती का हाथ मिलाता हूँ। और जो अनुज हैं उम्र में छोटे हैं, लेकिन वो समझते हैं कि वो हमसे हाइट में बड़े हैं, तो मैं उनके लिए भगवान शंकर से प्रार्थना करता हूँ कि उनको सद्बुद्धि दे और खूब आगे बढ़ाए, ताकि उनको खूब खुशियां मिले। हमारी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। राजपाल की पाठशाला एक ऐसी पाठशाला है जिसमें कोई टीचर नहीं है। बात क्या हो रही है? तीन तीन तू बात मेरे दिख रहा है कि अरे भाई कौन है ये? बंद कर देना सबको सर, मैं कर दे सबको म्यूट कर दो। सबको म्यूट करूंगी तो राजपाल सर का भी म्यूट हो जाएगा, इसके लिए मैं एक एक को म्यूट कर रही हूँ। नहीं तो वो ओपन कर लेंगे ना, अनम्यूट कर लेंगे ना, अनम्यूट कर लेंगे। ओके ओके, अनम्यूट कर लेंगे, नहीं तो सब पूरी मारते रहेंगे। जी जी, थैंक यू दादा, थैंक यू। आज मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे आप सबके साथ बात करने का मौका मिला है इस कोरोना काल में, और थैंक्स टू गीतांजलि उनकी पूरी टीम को, जिन्होंने मेरा मंच के माध्यम से हम लोगों को जो है एक दूसरे से कम कितने दिनों से चेहरे नहीं देखे थे, उसमें सबके चेहरे एक दूसरे को, एक दूसरे की स्माइल देखने का मौका मिला। थैंक यू सो मच। और पहले तो मैं अपने बारे में बता दूं कि बड़ा लोगों को ये गलत फहमी है कि शायद मैंने थिएटर छोड़ दिया है। बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं कि मैं थिएटर नहीं करता हूँ। तो जब से मैं एनएसडी से पास आउट हुआ हूँ, और मैंने पहले भारतीय नाट्य अकेडमी लखनऊ में 2 साल का डिप्लोमा किया, फिर उसके बाद में जो है 3 साल का एनएसडी में, 94 to 97 मुझे एनएसडी में जो है पढ़ने का सौभाग्य मिला, और 92 से 94 लखनऊ में पढ़ने का सौभाग्य मिला। उससे पहले 92 से 84 हमें लगभग 7 से 8 साल जैसे एक कभी नुक्कड़ नाटकों गीतांजलि उनको फोन करके बोल दो। हाँ सर, मैं वही मैं क्या कर रही हूँ, ये तो शुरू में कर देना चाहिए तुम। सर मैं कर रही हूँ, लेकिन वहाँ अपने तरफ से ये लोग सब अपने आप को वापस अनम्यूट कर दे रहे हैं, वो पूरा सेशन इसी में जाएगा। सर राजपाल सर आप अपने तरफ से इसको अनम्यूट कर लीजिए, जो माइक दिया है उसको क्लिक, जो क्रॉस हो गया उसको क्लिक करके ओपन कर लीजिए। जी
जी अभी ठीक है, अभी ठीक है, लीजिए प्लीज, अभी ठीक है सर, अभी ठीक है। अच्छा ओके, बिल्कुल आप बिल्कुल रिलैक्स रहे, क्योंकि ये मशीन को थैंक यू बोलिए कि इसमें म्यूट हो अनम्यूट हो, लेकिन इसके चक्कर में कम से कम हम सब मिल पाए, एक दूसरे से मिल पा रहे हैं। जी 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 सही बात। तो इसमें एनएसडी करने के बाद में और ये जो है लगभग 7-8 साल, कभी मैं अमेच्योर आर्टिस्ट के रूप में कभी जो है, वैसे हमारी शुरुआत कक्षा 3 में जब मैं पढ़ता था तो एक मुझे रबर का इनाम में मिली थी और उसमें एक कविता सुनाने का सौभाग्य मिला था, जिसके लिए प्रताप सिंह ने धूल जंगलों की छानी। जी जी सर, आप आवाज आ रही है, बोलिए जी, आप बोलते रहिए। तो वो कविता के माध्यम से उसमें गया तो एकदम हाथ पैर कांपने लगे और इतना डर लगा, तो सब टीचरों ने कि बा बेटे कोई बात नहीं, कोई बार रोने लगा, और वो डर जो था वो हमारा भय पता नहीं कैसे आप लोगों के आशीर्वाद से वो मजबूती में बदल गया, और वो उसी को अपना शौक बना लिया कि मंच पे खड़े होने में इतने पैर क्यों कांपे थे। तो जब वो बच्चा था उसमें रबर एक इनाम में मिली, फिर कभी एक टॉवल इनाम में मिली, कभी पेंसिल इनाम में मिली, और जब 9th में धीरे धीरे आ गया, और इसमें 15 अगस्त 26 जनवरी में हमेशा जो है छोटे से ही सांस्कृतिक गतिविधियों में हमेशा जुड़ने का मौका मिला। एक अभी 50वीं रनिंग कर रहा हूँ, और 50वीं में रनिंग में करते तो एक दिन बैठा सोच रहा था कि 36 साल हो गए हमें अभिनय करते हुए और अभिनय से डरते हुए, तो जिसमें बहुत सारी जिसमें अगर कहें कि रामगोपाल बजाज साहब, सत्यदेव दुबे जी, और फिट बेनिफिट्स ऑफ जर्मन डायरेक्टर थे वो, एक बाबा कारण साहब से लेके बीएम शाह साहब से लेके एनएसडी से लेके श्री राम सेंटर से लेके भारत भवन भोपाल से लेके और लखनऊ भारतेंदु से चंडीगढ़ से लेके अपने जितने भी कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कभी प्रतियोगिताओं के माध्यम से और कभी नाटक करने के माध्यम से, कभी विजिट करने के माध्यम से सातों समंदर कई बार घूमने का सौभाग्य मिला। तो उस 36 साल में मुझे ऐसा लगता था कि मुझे क्या ऐसा करना चाहिए जो मुझे मैंने नहीं किया है जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग जो, पहले तो मैं अपने बारे में बता दूं, क्योंकि मैं राजपाल यादव, अगर एक मिनट में राजपाल की परिभाषा ये है कि एक जा रहे थे, एक राहगीर जा रहे थे, उसके पास बहुत सारे आम थे, वो आम उसने चचोड़े और वो गुठली जो है वो फेंकता चला जा रहा था, तो हमारी भी गुठली एक किसी घूरे पे पड़ी, उसमें बहुत, उस समय जेठ का महीना था, वो गुठली ऊपर से जल गई और फिर उस, लेकिन वो तपिश के बाद में कहीं से बारिश आ गई अषाढ़ के एक दिन की, और उसमें वो गुठली के ऊपर पड़ गई, गुठली का ऊपर का जो तना था वो सड़ा सड़ा हुआ था, वो सड़ गया, वो गोबर में मिल गया और वहां से गुठली पैदा हो गई, और वो गुठली पैदा हो गई, वो एक अंकुर फूट गया, उसमें बहुत सारे आम पैदा हुए थे, किसी को बकरी खा गई, किसी ने पैर रख दिया, कोई खींच के बच्चों ने खिलौने बना लिए, लेकिन मैं सौभाग्यशाली निकला कि वो गुठली का अंकुर बच गया, धीरे 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 मेरा ये सपना हो गया कि हजारों आम कैसे पैदा हो सकते हैं घूरे पे। तो मुझे लगा कि ऐसा कुछ शुरू करता हूँ जिसमें राजपाल की पाठशाला, जिसमें कोई लेखक नहीं है, जिसमें कोई बुद्धिजीवी नहीं है, जिसमें कोई साहित्यकार नहीं है, जिसमें कोई साहित्य नहीं है, जिसमें स्टानिस्लावस्की, गुरतौस्की, जेकब ब्रेक्ट कोई नहीं है, ये हमारे वो दीवारों के पाठशाला के लोग हैं जहां पे खड़े होके हम अपने लिए विश्वास पैदा करते हैं कि हम कला के पुत्र हैं, जिसको पंचम वेद माना गया है, और पंचम वेद जहां पे बोलते हैं कि सातों समंदर ये भी सीमा में है, सातों समंदर जहां समाप्त होते हैं उसके बाद कहीं कला का उद्गम होता है, वहां से हम शब्द सोच के लाते हैं और वो शब्दों को हम कागज पे लिखना शुरू कर लेते हैं, फिर दो दो
पागल लोग मिलके अब इन शब्दों का चित्रण करने लगते हैं, चरित्र बना देते हैं, चरित्र में ऐसे ढल जाते हैं कि उसको चलचित्र में बदल देते हैं। तो वहां जब वो कला के उसमें, तो मुझे ऐसा लगा कि कला जो है वो ना कोई सिखाई जाती है ना पढ़ाई जाती है, कला को सीखने के लिए सिर्फ आदान प्रदान की जरूरत है। आप कोई भी बच्चा है वो भी एक संपूर्ण कलाकार है, क्योंकि जिसका जन्म हो गया वो कलाकार है। क्योंकि अगर कला, कलाकार के लिए क्या करना पड़ता है, चलना पड़ता है, चलने के लिए ताल चाहिए होती है, ताल के लिए गाल चाहिए होते हैं, उसके लिए ताली चाहिए होती है। अगर कोई बच्चा चल नहीं सकता तो वो तुरंत गिर जाता है। तो जब तक बच्चा चलना सीखता नहीं है तब तक वो बेताला होता है। इसके मतलब बच्चा जब चलना सीख जाता है तो वो ताला बन जाता है, वो संपूर्ण कलाकार बन जाता है। ये एक कहानी है मेरे जीवन में ऐसी घटी थी कि एनएसडी में एडमिशन हुआ था और मैं भारतेंदु नाट्य अकेडमी से पढ़ के गया था। बाबा कारंत साहब आए थे और उन्होंने एक वर्कशॉप ली थी विजिटिंग क्लास की, जिसमें विजिटिंग फैकल्टी की क्लास होती है। तो हम 20 लोग थे, तो बाबा कारंत जी जो है वो एक एक बच्चे से या बच्ची से पूछते जा रहे थे कि तुमने क्या किया, बोलो बोलो तुमने क्या किया। ठीक है, अब मेरा जब नंबर आता था तो मैं एक धीरे से खिसक जाता था इधर जी। तो जब 19 के बाद तो दो बार तो मैं उठ के बाथरूम के बहाने चला गया कि, तो जब 20वें नंबर में तो मुझे फंसना ही था। जब 20वें नंबर में उठा तो गीतांजलि जनता मतलब वो हमारे बैचमेट भी सब गवाह है, तो मैंने 19 लड़के लड़कियों उनको क्या क्या आता है वो बताया था जी। और मुझे, मैंने उनको ये बताया मुझे क्या क्या नहीं आता है। मैंने कहा साहब मैं चलता हूँ तो मैं बेताला हो जाता हूँ, मेरी, मैं जिम करने लगा गलत जिम कर दी तो मेरी बॉडी स्टिफ हो गई, तो मुझे कदम चाल नहीं आती है। मैं गाने लगता हूँ तो बेसुरा हो जाता हूँ। तो ये पूरा बैच, और मुझे ये मालूम था कि एनएसडी में अगर कोई इंस्टीट्यूट किसी को देता है तो सीखने वाले को, सीखने वाले को एडमिशन देता है, जो सीखा हुआ होता है वो तो, और वही तो सीखने के लिए आए हैं। तो हमें उस समय शर्म नहीं लगी, वहीं से मेरी जिंदगी बदल गई। बाबा कारंत साहब ने, मैं उठ के आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि कुछ टीवी की ये अपने पर्दे की कुछ लिमिटेशन है जी, जी। तो उन्होंने कहा उठो 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 उठो, और बोला चलो 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 चलो। तो मैं चलने लगा, जब चलने लगा तो बोले उधर से उधर पलटो पलटो, फिर आओ, फिर चार कदम आओ, फिर चार कदम जाओ, फिर चार कदम आओ, और 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 बोले तुम तो कभी सुर में भी हो ताल में भी हो, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मुझे सबसे पहले वो कॉन्फिडेंस आया कि चलो ताल में तो ठीक है मामला, मतलब गिरा नहीं तो कुछ होगा तो सुधर जाएगा। बाबा करण साहब ने बोले कि अगर सही चलना है तो पहले अपना चलना देखो, और दूसरी चीज यह है कि अगर आपको तार सप्तक में गाना है तो सबसे छोटा काला है जिसमें गला बिल्कुल ना फटने की गारंटी है, किसी को पता भी नहीं चलेगा, बाथरूम से लेके हमेशा सबसे छोटा वाला काला जब तक प्रैक्टिस करते रहोगे, सारे काले जितने आएंगे उनको क्रॉस करते रहोगे। मैं वो म्यूजिक क्लास को, विजिटिंग क्लास को मैंने अपनी जिंदगी में डालने की कोशिश की, और वही शायद दो शब्द अगर वो नहीं उस दिन मिले होते तो शायद हम आपसे यहाँ पे बात नहीं कर रहे होते। अब फिर इसमें एक पाठशाला ये मिली कि जब इतना सरल है इसमें जाना, तो पढ़ना तो सबको बहुत जरूरी है लेकिन कुछ करके गुजर के जाना ये आपकी मजबूरी है। मजबूरी इसलिए है क्योंकि वही मजबूती बनेगी। तो इसके मतलब जब जिसमें कुछ करके गुजर के जाना है उसमें आपकी मजबूरी में, आप जैसे मुझे पहले जब मैं नाटक करता था तो मेरा जिस दिन शो होता था उस दिन मेरा शाम को पेट साफ हो जाता था क्योंकि मुझे वो टेंशन रहता था कि अभी, अब जैसे 7:30 बजे हैं, अभी 15-20 मिनट हैं, तो मैं जरा यार मैं जरा बाथरूम होके आता हूँ। क्योंकि वो टेंशन, शायद मैंने किसी से पूछा कि ये टेंशन क्यों होता है, तो उन्होंने कहा कि बेटा जब तक ये टेंशन बना रहेगा
तब तक आपके अंदर का कलाकार जिंदा रहेगा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतनी, क्योंकि जब कोई क्रिकेट में जब कोई बैट्समैन आज सेंचुरी मारता है, लेकिन दूसरे दिन जब वो फील्ड में जाता है तो उसके लिए पहली बॉल की माफी नहीं होती है, तो फिर कलाकार को माफी कैसे हो सकती है? दोनों 100% रिस्की गेम है कि अगर आपका आपका डायलॉग या आपका वो अच्छा है तो 100% 100 मार्क्स मिलेंगे, ताली मिलेंगी, और अगर वो गंदा है तो चाहे रिक्शा वाला बैठा हो, चाहे कितना भी पढ़ा लिखा आदमी बैठा हो, उसको समझ में आ जाता है। वो आपको जो पढ़ा लिखा होता है वो आपको उसका डिस्क्रिप्शन बता देता है कि ये थोड़ा सा ठीक नहीं था, ये थोड़ा सा ठीक नहीं था, लेकिन जो कम पढ़ा लिखा होता है वो भी करेक्ट बताता है कि भाई मजा नहीं आया, पता नहीं क्या कमी थी। तो वो पता नहीं क्या कमी थी पूरी करने के लिए हम लोग जो है हमारी पूरी जिंदगी लग जाती है। और मुझे लगता है कि जितने भी क्या कब क्यों कहां कैसे ये ऑब्जर्वेशन इमिटेशन इमेजिनेशन ये पढ़ने के लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब जीवन की पाठशाला में आते हो तो ये शब्द रटने के लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन जीवन की पाठशाला में जब चौराहा होता है जहां चारों तरफ दीवारें नहीं होती हैं, वहां पे ये शब्द आपके लिए डटने के लिए अच्छे बन जाए तो ये रटने अच्छे होते हैं, अदरवाइज ये कंफ्यूजन हो जाता है। क्योंकि जहां पे जैनदा का बॉडी या अभी प्रतिमा दी की बॉडी है या उनका वे ऑफ वर्किंग है या किसी भी एक्टर का वे ऑफ वर्किंग है, वो अपनी अपने स्वभाव के अनुसार अपनी इनहेल करता है एक इमेजिनेशन, क्योंकि हम लोग कभी रियलिटी नहीं करते। आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल। हम लोग रियलिटी तो जिंदा कर नहीं सकते, हम लोग रियलिटी में जी नहीं सकते, क्योंकि रियलिटी रियलिटी होती है, रियलिटी में जो चाकू मारा जाता है वो हम लोग रील में इल्यूजन क्रिएट करते हैं, और हम बोलते हैं कि ये इतना इल्यूजन है कि मतलब लगता है कि बिल्कुल सच है। तो वही तो कला का एक भ्रम है, और वही कला की एक बोलते हैं सुंदरता है कि हम ड्रामा भी देख लें, सीता हरण भी हो जाए, रो भी लें, ताली भी बजा लें, लेकिन ना 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 इसको दुख हो, ना परिधान को कोई चोट पहुंचनी चाहिए, ना आपके अंगों को कोई चोट पहुंचनी चाहिए, ना आपके चेहरे पे कोई चोट पहुंचनी चाहिए। तो बोलते हैं कि दुनिया में बहुत कम सौभाग्यशाली लोग होते हैं कि जिनके लिए मंत्र बना हो कि आंगिकम भुवनम यस्य वाचिकम सर्ववांगमयम आहार्यम चंद्रतारादि तम नमः सात्विकम शिवम, तम नमः सात्विकम शिवम। सोचिए कि जिसको बोलते हैं कि जब हम बोलते हैं कि ये हमारा जवाब नहीं है सोचना, जो कलाकार है वो प्रकृति पुत्र होगा, जो प्रकृति पुत्र होगा वही कलाकार होगा, अदरवाइज वो कोई जिसमें प्रकृति का संस्कार नहीं होगा वो कभी कलाकार नहीं होगा। इस बात को मैंने अपनी लाइफ में एक बार नहीं पचासों बार एक गवाह के रूप में देखा है, और मुझे लगता है यहाँ पे जितने भी चेहरे जो दिख रहे हैं सब अग्रजों के हैं, सब वो लोग प्रकृति को हमारा कहना है और वो बात वो समझ रहे हैं कि प्रकृति ही प्योर होती है, और जब प्रकृति आपके अंदर होती है तो हमें ये बात मान सकते हैं कि जब हमारे डायलॉग पे जिसका सिर पैर हम लोग बनाते हैं, ऑडियंस को हम उस जगह ले जाते हैं और अपने ऊपर तालियां बजवाते हैं, तो शंकर जी ने कला को क्यों नहीं पैदा किया होगा? बोलते हैं तो अगर दुनिया के सारे कर हैं जिसमें मात्र कर, पितृ कर, पृथ्वी कर, ये कर, जिसमें पानी का कर आता है, जिसमें अग्नि का कर आता है, क्योंकि हम कितने भी बड़े बलशाली बन जाए पानी पीने को नहीं मिलेगा, तो कला हमसे कहेगी पहले पानी पीने की तो व्यवस्था कर, तभी तो मुझे जी पाएगा। तो जहां पे जितने जो पंच कर हैं जो हमारी बॉडी में है, हम ऊपर ऊपर वाले को ऊपर वाले परिधान पे ऊपर वाले
परिधान से अपने अंदर अंदर के इतने व्यवधान पैदा कर देते हैं कि हमारी वो सरलता खो जाती है। और हमें हमेशा आज तक थिएटर से शिकायत है कि जब लड़का मंच पे होता है उसके हाथ, या लड़की मंच पर होती है उसके हाथ पैर इतने टाइट क्यों होते हैं। आज 50 साल में, आज मैं 50 साल का लगभग 59 से एनएसडी अलकाजी साहब ने, और उससे नाटक बहुत पहले से पूरे देश का नाटक है, लेकिन बड़े बड़े कलाकार जैसे ही आषाढ़ का पहला दिन और ऐसी वर्षा माँ, तो उनका भाव ऐसा क्यों हो जाता है कि ऐसे लगता है कि अब ये वो आदमी नहीं रहा। आदमी नहीं रहा बहुत अच्छी बात, आत्मा कहाँ चली गई। उसकी वजह से हमारा, क्योंकि हम कला के सामने सरेंडर नहीं करते हैं। जैसे एक बड़ी हम योजनाएं बहुत बनाते हैं, हम अपने कला प्रेमियों से ये कहना चाहते हैं कि कला प्रेमी योजनाएं नहीं बनाते हैं, कला प्रेमी जो है पगडंडियां तैयार करते हैं। और वो पगडंडियां हमेशा ऐसी होती हैं, कभी पहाड़ों को चढ़ने की होती हैं, कभी बबूलों को चढ़ने की होती हैं, और लेकिन जो पगडंडियां तैयार होती हैं वो बारिश से भी नहीं मिटती हैं, और हाईवे हर साल खराब हो जाते हैं जी। तो हाईवे खराब हो जाते हैं लेकिन पगडंडियां कभी भी खराब नहीं होती, क्योंकि वो कला प्रेमियों की तैयार की हुई पगडंडियां। सोचिए कितने एक मुझे पाठशाला में कभी ये नहीं लगता कि इसमें कोई स्टूडेंट बन के आए, क्योंकि मैं खुद स्टूडेंट हूं। मैं एवरी डे इज लर्निंग डे, एवरी डे इज बिगनिंग डे। मैं शाम को जब सोता हूं तो अपने को 5 बार लव यू राजपाल, और आज जो कर पाए बहुत अच्छा है, जो नहीं हो पाया कल कोशिश करूंगा करने की, और सो गया। और दूसरे दिन जब सुबह उठा कि थैंक यू गॉड तूने आज का भी सूरज दिखाया, आज मुझे कुछ ऐसा करवा दे ताकि वो शब्द जो मुंह से निकलाए, जो मुंह से निकले वो फूल बन जाए। कितना सरेंडर है। कल राजपाल की पाठशाला में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें आपको कुछ सिखाया जा सके। आप आज गूगल में, पहले हम लोग क्या थे, हम लोग जाते थे इंस्टीट्यूट, वहां पे एक एप्लीकेशन लिखते थे, इंसाइक्लोपीडिया ढूंढते थे, अपनी लाइब्रेरियन के पास जाते थे, वो बोलती थी क्या है, अरे वो तू भी इंसाइक्लोपीडिया क्या करेगा, अरे अरस्तु साहब को खोज रहा, अरे अच्छा ठीक है जा रहा है खोल। पता लगा कि आधा घंटा आपको इंसाइक्लोपीडिया इश्यू करवाने, फिर उसमें टाइम पड़ता था, उसी टाइम में आपको देना है। आज तो आपके हाथ में सुबह से शाम तक इंसाइक्लोपीडिया घूम रहा है साहब, चाहे आप हल चलाते हो और चाहे आप देश चलाते हो, अब कोई फर्क ही नहीं रह गया है प्रधान से लेके प्रधानमंत्री तक। अगर चाहो तो सब कुछ सबको पता है। तो जहां पे होल वर्ल्ड बिकम स्मॉल विलेज, अभी कला में रेवोल्यूशन की जरूरत है। अभी कलाकारों का समय है, लिख के लीजिए अगले 10 साल कला युग है जी। कला मतलब या तो मशीनें चलेंगी और या फिर कलाकार लोगों की अंदर के ब्लड सर्कुलेशन अच्छे करने के लिए थेरेपीज चलेंगी जी। और उन थेरेपीज में जो है कला का अद्भुत योगदान होगा जी। सर बहुत अच्छा लगा आपको सुनकर, और मुझे लगता है यहाँ जितने लोग हैं वो आपको देखने के बाद जितने खुश हुए मेरे ख्याल से और किसी चीज से नहीं हुए होंगे। आपको देख के एक अजीब सा शरारत सा एक व्यक्तित्व तो सामने आता है। मैं जानना चाहती हूँ कि राजपाल यादव बचपन में कैसे थे, क्या कितनी मस्ती करते थे, कितनी जगह लोगों को हैरान परेशान करने के बाद भाग जाते थे, बचपन क्या था सर। देखिए बचपन बहुत जैसा एक मैंने वो आम गुठली का किस्सा सुनाया, एक हमारा दुनिया का सबसे खूबसूरत गांव जिसमें 5-6 महीने चारों तरफ पानी भरा रहता था, उसमें रात रात झब्बड़ झब्बड़ तब्बड़ तब्बड़ करते हुए हमारे माता पिता, अब वहां पे हमारे पूज्य माता पिता ने हमें जन्म दिया। मैं सौभाग्यशाली हूँ उस गाँव का, उस जन्मभूमि का, और वहां से मैंने पूरी दुनिया देखी, तो हमारे लिए दुनिया का सबसे बड़ा वो गाँव है। हमारे लिए वहां के जो एक सरवाइव करने के लिए, जीवन यापन करने के लिए जितने गांव में अलग अलग लोगों के संकट होते हैं, तो मैं उनको कहूंगा कि वो सारे संघर्ष वो हमारे गौरव थे। और हमें उस समय नहीं पता था कि इसको बाल मजदूरी बोलते हैं,
लेकिन अब हमें जरूर पता है कि उस उम्र में काम करने, किताबें खरीदने के लिए जो पैसे इकट्ठे करते थे वो बाल मजदूरी की श्रेणी में आते हैं। इनकी 6 वोट तो ही निकली। हेलो जी भैया, जी सुनाई दे रहा है? हाँ हाँ सर, हाँ सुनाई दे रहा है। हाँ, तो वो आप बहुत बचपन बहुत खूब कबड्डी खेलते थे, खूब दिन में खूब अच्छा, अब 15 दिन काम करके 120 रुपए कमा लेते थे। जब 10-11 साल के थे तो उनसे किताबें आ जाती थी, तो इतना ऐसा लगता था कि लिव लाइक किंग एंड वर्क लाइक लेबर, मुझसे बड़ा कोई राजा नहीं है, क्योंकि साल भर की किताबें आ गई। मैं और मेरे भाई और बहुत खुश कि अब पिताजी साल भर की फीस निपटा देंगे। और उस एटीट्यूड से अपने गाँव में कक्षा 5 तक पढ़ा, वहां पे जितने भी गांव के खेल हो सकते हैं खूब खेले। कबड्डी में अगर 100 मैच खेले तो दिल्ली तक भी कैप्टन, 90 मैचों की कप्तानी राजपाल यादव ही करते थे। और जब हमारे सब ऐसे लड़के जो हमारी उम्र के, अब हम राजपाल यादव 5 फीट 2 इंच और एक साथ में हमारा बैचमेट है 6 फीट का, तो वो झगड़ा कर देता था वो, क्योंकि ये आपस में झगड़ा नहीं था, ये बहुत प्यार था। तो वो कहता था कि तू पिछली बार में कैप्टन बना था, इस बार कैप्टन मैं बनूंगा। तो हमने कहा मैच हार जाएंगे बे, तो बोला तू मैच जिताता है? हमने नहीं नहीं तेरी हाइट जिताती है, मेरी फाइट जिताती है। बहुत बढ़िया, दोनों का कॉम्बिनेशन, तेरी हाइट को खड़ा करता हूँ तो तू जो फाइट करता है उसके पीछे दिमाग मैं लगाता हूँ। तो इतना हंसते थे और 90% मैच जीतने में कामयाब होते थे, क्योंकि मुझे नहीं मालूम गरीबी किसको कहते हैं, क्योंकि गरीब मैं कभी था नहीं, क्योंकि मैं आज अमीर हूं नहीं। वाह, मैं गरीबी अमीरी से बहुत डरता हूं। बहुत बढ़िया। और मैं कभी भी ना कमजोर था, क्योंकि आज मैं बहुत बलशाली नहीं हूं। मैं कभी भी अमीर नहीं था, मैं कभी भी हमेशा अमीर था, क्योंकि मैं आज जो हूं मैं अमीर नहीं हूं। मुझे क्या लगता है कि वी आर ऑल सुपर ह्यूमन, क्योंकि कला करते करते हमारी बॉडी में अगर हम नौरस कैसे भूल सकते हैं, या तो इनको किताबों से निकालिए, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से निकालिए कि श्रृंगार हास्य करुण रौद्र वीर भयानक विभत्स अद्भुत शांत बात्सल्य, या तो ये रसों को निकाल दीजिए या फिर रसों और अलंकारों को मिला दीजिए। कि बोलते हैं कि जब किसी काप जैसे किसी दुल्हन को सजाने के लिए गहनों और आभूषणों की आवश्यकता होती है, तो उसी प्रकार काव्य को सजाने के लिए रसों और अलंकारों की आवश्यकता होती है। तो आपने या तो बचपन पढ़ाया नहीं होता, और अगर ये पढ़ा दिया है तो इस पे कायम रहने की भी जरूरत है। मुझे मालूम है आटा आठ की बहुत, जिस दिन बच्चा जन्म लेता है उसी दिन वो चिल्लाता है, उससे पहले वो कभी रोता नहीं है, क्योंकि उसका जिस दिन वो चिल्लाया लोग सोचते हैं बच्चा स्वस्थ है। बच्चा को ये नहीं पता होता कि वो स्वस्थ है, बच्चा बच्चा इसलिए चिल्लाता है कि किस नरक में ले आए मुझे। तो वो अपनी मुसीबत की कितने बढ़िया माँ के पेट में एक इतनी सेफ थैली के अंदर, मतलब जिसमें एक तार माँ के खून से जुड़ा हुआ है और इतना खूबसूरत, उसी में आप घूम रहे हैं, उसी में आप आराम कर रहे हैं, अचानक आपको बाहरी जिंदगी मिला के खड़ा कर दिया, वो घबरा जाता है। लेकिन धीरे धीरे जब आंखें खोलना शुरू करता है, देखना शुरू करता है, तो इसका यूज टू हो जाता है। तो मैं अपने सभी कलाकार साथियों से, जो हमने अपने बड़ों से सीखा है, जो मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि मुझे सुन रहे हैं, और मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि हमने जो कुछ भी सीखा है उसको इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है। अदरवाइज कोई सीखना, जो आप यहाँ पे आओगे और जब चौराहे पहुंचोगे आप भूल जाओगे, आप कैसे जाओगे? क्योंकि आपके अंदर की अब स्पॉन्टेनिटी सीख ली साहब, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुंह चलाने के लिए आपको खिला बोलना पड़ेगा, हकीकत बोलनी पड़ेगी, आपको उसके साथ में रमना पड़ेगा। और जब तक आप उस प्रैक्टिस में आते नहीं है तब तक आपके हाथ पैर टेढ़े ही रहेंगे। मतलब अपन सिर्फ
ये आज की जो ये शेयरिंग है, इसमें कोई वर्कशॉप नहीं है, क्योंकि उसमें राजपाल भी आते हैं, उसमें मुझे आपकी, अब जैसे एक 89 की बात है, उससे पहले तो ज्यादातर गांव में ही जीवन, शाहजहांपुर गांव, शाहजहांपुर से 48 किलोमीटर गांव है दूर, जिस भी महफिल में रहे गीतांजलि जी, उसमें हमेशा ही लाइव रहे जी। मुझे ये नहीं मालूम कि लाइव किसको कहते हैं, लेकिन मुझे ये बता दिया है कि ये ध्वनि है जी। अगर ये ध्वनि खत्म हो जाए तो हम लोग फिर इसमें क्या है, कुछ भी नहीं। ध्वनि खत्म मतलब सांस खत्म, सांस खत्म तो खाली स्ट्रक्चर पड़ा है, इसके मतलब हम जो है सिर्फ साचे का काम कर रहे हैं अंदर। तो जो साउंड मैं आपको वहां तक बोल रहा हूँ, इतनी देर से बोल रहा हूँ, ये साउंड क्या है, ये मेरे लिए जैसे हवाई जहाज उड़ जाता है रोज, जितना चमत्कारिक है उतनी ही ये साउंड मेरे लिए चमत्कारिक है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई कोई कहता है मैं ईश्वर को नहीं मानता, कोई कहता मैं ईश्वर को मानता हूँ, कोई कहता मैं इसको नहीं मानता, कोई कहता मैं उसको नहीं मानता, लेकिन जितने भी कार हैं हम लोग, कोई मुख सज्जाकार है, कोई मंच सज्जाकार है, कोई कोई निर्माणकार है, कोई जितने भी कार है, चित्रकार, पत्रकार, कहानीकार, कथाकार, व्यथाकार, साहित्यकार, पत्रकार, जो भी कार है, लगभग 9 लोग, 9 अपन एक उसमें सब आते हैं जी। एक बात थोड़ी देर बाद समय खत्म होगा, हम रिज्वाइन करेंगे। खाली एक बात तो पक्का है कि हमारी आंखें तो किसी ने बनाई है, जो आंखें अगर इसने बनाई हमें एक कलाकार के रूप में, अगर उसका हमने थैंक यू धन्यवाद कर लिया, उसी दिन से हमारे के अंदर कला कला नहीं सरस्वती ही विराजमान हो जाएंगी। हम कला 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 जीते भी हैं और कला ढोते भी हैं। मुझे ये समझ में नहीं आया कि जब जो चीज जीनी है उसको